सरकार आई और जब पहला विज्ञापन इस सरकार में आया उसके बाद से लेकर के जितने आपने परीक्षाएं निकाली हैं उसमें कोई प्रवीण कुमार जी से बातचीत हो रही है यूपीटर प्लेसी को लेकर के, उसी में तो हुए हैं सारे सारे प्रवीण कुमार, ये जो रजिस्ट्रेशन वाला उसी का है, खादी वाला उसी का है, नई सरकार के हैं सारे सारे, ये सारे सारे नई सरकार के ही है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे नई सरकार के ही, इसी सरकार के विज्ञापन है, इसी सरकार के उसमें से नियुक्त पत्र जारी हो रहा है। आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी की 2 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ लंबित हैं और आज बेरोजगार बिल्कुल परेशान है अवसाद में। बेरोजगारों का कहना है कि 2018 में जो एसएससी की भर्तियाँ हो जानी चाहिए थी उसका प्रोसेस अभी चल ही रहा है, यही हालत रही तो कम से कम 2025 तक 2 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा जो एसएससी की तैयारियों में लगे हुए हैं, जो फॉर्म भरे हुए हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन साल से 5 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने अपॉइंटमेंट लेटर का। बेरोजगारी का क्या आलम है पूरे देश में, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, कोई जानकारी नहीं, पूरे देश में यही हाल है बेरोजगारी को लेकर और एसएससी की 2 लाख से ज्यादा पदों पर ये बेरोजगारी का आलम पूरे देश में इस तरीके से बना हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अवसाद में जो भर्तियां कोरोना संकट में अटक गई, जो कोरोना के ये जुमले दिए गए किस तरीके से पूरे देश में ये चल रहा है देख लीजिए, लगातार मॉनिटरिंग करना, लगातार मीटिंग करना और इन भर्तियों को कैसे जल्दी से जल्दी